होली या दिवाली हो या फिर कोई स्पेशल ओकेजन हो, दही बड़े हम सब बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंकिता'स किचन में। ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि दही बड़े में गाट रहता है, वो उतना स्पॉन्जी नहीं बनता है, तो इन सब का सॉल्यूशन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ, जिससे आपकी भी दही बड़े काफी स्पॉन्जी बने, काफी नरम बने। और साथ ही साथ एक मसाला शेयर किया है जिससे दही बड़े का स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने ली है दो तरह की दाल, मूंग दाल और उड़द दाल को मिक्स करके बनाएंगे। इन दोनों को मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। आप चाहे तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए जरूर सोक करिएगा। दोनों का पानी हमने अच्छे से निकाल दिया है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दोनों को एकदम बारीक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम। आप चाहे तो सिर्फ उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों दाल को मिक्स करके बनाएंगे तो जो आपका वड़ा बनेगा वो काफ़ी टेस्टी बनेगा। 2 चम्मच के जितना पानी डाल के हमने ये पेस्ट बनाया है। और अब इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरह का स्मूथ बैटर होना चाहिए, बारीक पिज़्ज़ा होना चाहिए और थोड़ा सा थिक होना चाहिए। जब हम चम्मच से इस तरीके से गिराएं तो वो बहुत जल्दी नहीं गिरना चाहिए, मतलब थिक होना चाहिए। बस ऐसा ही पेस्ट हमें बनाना है। अब एक बड़ा सा बर्तन लिया, अब इसमें पेस्ट को डाल दिया। अब इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक हमें फेंट लेना है, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, अगल बगल घुमा के बिल्कुल नहीं फेंटिएगा। शुरू में इसका कलर जो है वो पीला है और थोड़ा सा ही पतला है। जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे इसमें एरिएशन आएगा और आपको हाथ को इस तरीके से करके फेंटना है जिससे इसमें अच्छे से हवा भर जाए। 5 मिनट हो गए हैं फेंटते हुए, तो यहाँ पे देखते हैं तो इसका कलर जो है वो सफ़ेद में आ गया है। ये जो पेस्ट है वो थोड़ा हल्का हो गया है, इसमें अच्छे से हवा भर गई है और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। मतलब ऊपर से जब इस तरीके से हम गिरा रहे हैं तो ये फटाफट से नहीं गिर रहा है, काफ़ी देर के बाद गिर रहा है। और अब इसे चेक करके देखते हैं कि ये जो पेस्ट हमारा है वो अच्छे से फिट गया है या नहीं। तो एक कटोरी में पानी लेंगे, थोड़ा सा पेस्ट डाल के देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये पानी में तैर रहा है, इसका मतलब इसमें अच्छे से एयर बबल्स आ गए हैं, अच्छे से हवा भर गई है। अगर ये तले में बैठ जाता है तो आप फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए। अब बनाते हैं स्पेशल मसाला। इसके लिए मैंने लिया है धनिया, जीरा और लेंगे साथ में 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। अब तीनों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। बस कुछ देर के लिए इसका कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेना है। नॉर्मली हम जीरा पाउडर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इस मसाले को ज़रूर बनाइएगा, इससे दही बड़े का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे मसाले हमारे भुन गए हैं, फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसे ठंडा होने देना है। अब बनाते हैं पानी का मिश्रण। इसके लिए हल्का गुनगुना पानी लिया है। सबसे पहले डाल दिया है नमक, थोड़ा सा डालेंगे चीनी और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हींग और अभी से एक साइड रख देंगे। वड़े फ्राई करके हम इसमें डिप करेंगे ताकि वड़े में एक अच्छा सा टेस्ट आए। अब यहाँ पे जो रेस्ट पे रखा था पेस्ट, उसमें डाला है थोड़ा सा हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में कद्दूकस किया हुआ अदरक और डाल देंगे क्रश करके यहाँ पे काली मिर्च। हमारे घर में जब भी दही वड़ा बनता है तो काली मिर्च जरूर डालती है मम्मी, तो मैं भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बस इसे 1 मिनट के लिए हम एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो पेस्ट है, जो घोल है, वो काफ़ी फ्लफी दिख रहा है। और आप ये देखिएगा, जब आप इसे मिलाएंगे तो ये बर्तन को छोड़ेगा, मतलब फटे फटे जैसा दिखेगा। इसका इंडिकेशन ये है कि आपका जो पेस्ट है, जो घोल है वड़ा का, वो काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो गया, काफ़ी अच्छे से उसमें हवा भर गई है, इसलिए वो साइड से इस तरीके से फट रहा है। जब आपका भी घोल इस तरीके से हो तो आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए कि आपके भी वड़े काफ़ी स्पॉन्जी बनेंगे। बस अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पोर्शन एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी इसमें नमक नहीं ऐड किया है, पूरे पोर्शन में बिल्कुल भी नमक नहीं ऐड करिए। जितना पोर्शन एक बार में छानना है या वड़े बनाने हैं उतने में ही आपको नमक ऐड करना है। अगर पूरे में ऐड कर दिया तो उसमें क्या है, पानी छोड़ देता है। बस इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, काफ़ी फ्लफी लग रहा है ये घोल और काफ़ी स्मूथ है। और ये देखिए, इस तरीके से जब ड्रॉप कर रहे हैं, हम गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, तो एक बार में ही नहीं गिर रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है। बस अब यहाँ पर हम वड़े को फ्राई कर लेते हैं। तेल चेक करते हैं, मीडियम हीट होना चाहिए तेल का, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा है तो तेल अच्छा गर्म है। अब बस हम बारी बारी से वड़ों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से इस पेस्ट को डाल के वड़े बना सकते हैं। वड़े डालते वक्त आप ये ध्यान दे ही रहे होंगे कि जब मैं वड़े डाल रही हूँ तो वो तेल में तैर रहे हैं,
तले में नहीं लगे हैं, ये दूसरा इंडिकेशन है जिससे आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि आपके भी वड़े काफ़ी स्पॉन्जी बनेंगे। अगर वो तले में बैठ जाएंगे, इसका मतलब हमने उसे अच्छे से फेंटा नहीं है, उसमें अच्छे से हवा नहीं भरी है। बस यहाँ पे एक मिनट रुक जाना है, उसके बाद फोक या चम्मच की हेल्प से इसे पलटते पलटते हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पे रखना है फ्लेम को मीडियम और ये प्रोसेस करने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेगा। हलवाई लोग क्या करते हैं कि इसे पहले हाफ फ्राई करते हैं, उसके बाद दोबारा से जब थोड़े बड़े ठंडे होते हैं फिर तेल में इन्हें डाल के फ्राई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बार में फ्राई करूँगी। ध्यान रखना है कि वड़ों का कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मतलब हल्का गोल्डन आना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे ना तो वो अंदर से तेल चला जाएगा और वो कड़ा हो जाएगा, तो उसमें उतना टेस्ट नहीं आएगा। बस हमें इस तरीके से लगातार पलटते पलटते से फ्राई कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह का कलर हमें चाहिए, बहुत डार्क नहीं है, लाइट गोल्डन है। बस अब यहाँ पे फ्लेम को लो करके तले हुए वड़ों को निकाल लेंगे अच्छे से। काफ़ी फ्लफी लग रहे हैं अभी से ये वड़े, आप चाहे तो इसे टी टाइम स्नैक्स में भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ फ्लेवर्स इसमें ऐड किए हैं। और बाकी जो पेस्ट बचा के रखा है उसमें भी थोड़ा नमक ऐड करिए और उसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, काफ़ी स्पॉन्जी बना है, काफ़ी नरम लग रहा है हमारा वड़ा। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर बिल्कुल काट नहीं है, ये देखिए अच्छा सा गैप है। बस अब गर्मा गर्म इन वड़ों को हमें पानी के घोल में डाल देना है, जिससे इनका जो साइज़ है वो भी डबल हो जाए और वड़े हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो भी चीनी और नमक का घोल हमने किया था वो वड़े में अच्छे से चला जाए, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को लगभग आपको 15 मिनट के लिए करना है, मतलब 15 मिनट के लिए इसे एक साइड छोड़ देना है। अब बनाते हैं हम दही वाला घोल। यहाँ पे 200 ग्राम दही लिया है मैंने, दही मेरी थोड़ी सी पतली है तो मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास गाढ़ी दही है तो आप उसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करिएगा। अब इस तरीके से मथनी या घुटनी जो भी आपके पास हो या विस्कर हो आप उसे अच्छे से फेंट लें। बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ इस्तेमाल ना करें, कुछ इस तरीके का क्रीमी टेक्सचर चाहिए, इससे पतला बिल्कुल भी मत करिएगा दही को। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो 15 मिनट बाद जो वड़े हैं हमारे उसका साइज़ डबल हो गया है। और अब इसे हल्के हाथों से हमें स्क्वीज़ करना है, हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए पानी जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लेना है। ज़्यादा तेज मत करिएगा नहीं तो वड़े अलग हो जाएंगे, फट जाएंगे। बस यहाँ पे हमने सारे वड़े निकाल लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि दही के घोल में ही इन वड़ों को मैं डाल रही हूँ, जिससे दही का एक अच्छा सा टेस्ट इसमें आएगा और जो वड़े हैं वो थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। बस हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करना है, क्योंकि वड़े ऑलरेडी फुले हुए हैं तो ज़्यादा तेज करेंगे तो ये टूट जाएंगे। बस 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद अब इसे फटाफट से हम सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेट में वड़ों को निकाल लेंगे, जितने वड़े आपको सर्व करने हैं 4 से 5 निकाल लीजिए। उसके ऊपर डाल देंगे हम ये दही। दही का टेक्सचर इसी तरीके से क्रीमी होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। उसके बाद इमली की खट्टी मीठी सी चटनी डाल देंगे। अगर आप कहें तो मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर अपलोड करूंगी। उसके बाद तीखी सी चटनी डालेंगे हरी वाली, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसके बाद जो हमारा स्पेशल मसाला हमने बना के रखा था अब उसको डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। और यहाँ पे अच्छा अमाउंट मैंने मसालों का डाल दिया है। उसके बाद डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, साथ ही साथ डाल रही हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो थोड़ा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन बस मैंने इतनी चीज़ों से इसे डेकोरेट किया है। तो देखा आपने कितना आसान है घर पे दही वड़े बनाना, एकदम मार्केट जैसा टेस्ट और मार्केट जैसा ही टेक्सचर आएगा। काफ़ी खिले खिले, अंदर से फ्लफी और स्पॉन्जी है। मैं आपको पास से कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो है ना हमारे दही वड़े एकदम नरम, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले। तो आप इसे ट्राई करिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।